और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा साहब। विवेक जी, गुड आफ्टरनून। प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए आज आपकी फंडामेंटल पिक कौन सी होगी जहां कमाई के मौके बन सकते हैं? गुड आफ्टरनून। देखिए, आज का पिक रहेगा आदित्य बिरला सनलाइफ एएमसी म्यूचुअल फंड कंपनी है ये, और ये बिरला सनलाइफ म्यूचुअल फंड के नाम से जानी जाती है कंपनी। देखिए, जो आईपीओ लेके आई थी उसके बाद में स्टॉक ने कभी आईपीओ प्राइस कुछ हुआ नहीं था और उसके नीचे ही ट्रैक कर रहा था, ट्रेड कर रहा था, और यहाँ तक कि मतलब इसका लो भी काफी चला गया था 300 रुपए तक जाके। अब बहुत स्ट्रगल के बाद ये 500 को आज क्रॉस करके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब आप अगर इसको कंपेयर करो दूसरी एएमसी कंपनी से जो लिस्टेड है, देखिए पहले तो ये देश में टॉप 5 एएमसी में आती है क्योंकि एयूएम साइज के अनुसार बोल रहा हूँ मैं, पहला चीज। दूसरा चीज, अंडर परफॉर्म किया है बाकी एएमसी कंपनी से, अच्छा किया है। आप यूटीआई एएमसी ले लो या फिर निप्पॉन असेट मैनेजमेंट ले लीजिए, ये सारे स्टॉक्स ने अच्छा किया, लेकिन इस कंपनी ने मतलब इस स्टॉक ने बहुत ही खराब प्रदर्शन दिखाया है। तो एक कॉन्ट्रेरियन रूप में आप इसको ले सकते हो। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में 560 का टारगेट जाएगा ये, एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा, और लॉन्गर टर्म में ये अच्छा और भी अच्छा कर सकता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसमें निवेश कर सकते हो। और दूसरी चीज, फंडामेंटली और स्ट्रक्चरली आप अगर देखो तो जो एएमसी बिजनेस है ये अपने देश में बढ़ते ही रहेगा। यहाँ से क्यों बढ़ते रहेगा, जितना पार्टिसिपेशन रिटेल का आ रहा है और लोगों को लग रहा है कि आप म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी मार्केट में निवेश करना चाहिए, तो जो एएमसी बिजनेसेस है ये आपको परफॉर्मेंस करते हुए दिखते ही रहेंगे। तो कंपैरेटिवली जैसे मैंने कहा, स्पेस में सब वन ऑफ द चीपर स्टॉक्स लग रहा है ऐसे कॉन्ट्रेरियन, और अभी तक आईपीओ प्राइस को छुआ नहीं है, तो ये हो सकता है कि आईपीओ प्राइस को भी छुए, तो इसमें निवेश कीजिए। शॉर्ट टर्म टारगेट 560, स्टॉप लॉस करीबन 508-509, और लॉन्गर टर्म टारगेट इसमें बड़े हो सकते हैं। बिल्कुल, तो ये है सलाह विवेक जी की, पसंद आता हुआ आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विवेक जी हमसे जुड़ने के लिए और इस अहम राय के लिए।